हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। यहाँ पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं ड्रीम इलेवन नेचर ISL T10 का लीका जो 13 मैच खेले जाने वाले हैं। यहाँ पर TGS और CRT के बीच में उसके मैच प्रीव्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि देखिए, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप टेलीग्राम ऐप पर आकर यहाँ पर टारगेट इन फैंटेसी लीका सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको 538 सब्सक्राइबर वाले जो चैनल मिलेंगे, यही हमारा ओरिजिनल चैनल है। बाकी सर, यहाँ पर 1030 और 7623 सब्सक्राइब वाला जो चैनल है, ये बिल्कुल फेक चैनल है। तो ये चैनल को आपको ज्वाइन नहीं करना है। हमारे जो ओरिजिनल चैनल है ये है 538 सब्सक्राइब वाला, तो यही चैनल को आपको ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर सारे मैच के रिपोर्ट्स और टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, उसी के साथ यहाँ पर आपको फाइनल टिप्स भी मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं मैच की तरफ। देखिए, और एक बात, अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो लिंक भी आपको मिल जाएगा कहाँ पर, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो लिंक में क्लिक करके आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं मैच की, तो ये मैच आज रात को 9:30 बजे खेला जाएगा। यहाँ पर टाइटन जॉर्ज स्प्लैशर वर्सेस कैमरन रीव्स ड्राइवर्स के बीच में ये मैच खेला जाने वाला है आज रात को 9:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार। विंडसर पार्क रोस्पियो, यहाँ पर डोमिनिका वेस्ट इंडीज पर ये लीग का सारे मैचेस खेले जाने वाले। थोड़ा सा यहाँ पर बारिश की चांसेस है। अगर कोई फर्दर न्यूज आए तो हम आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। और देखिए, ये पिच यहाँ पर रहने वाले बैटिंग फील्ड के साथ में बॉलर्स को भी मदद मिल सकता है। पेसर को यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पर 50-50% करके विकेट्स मिला है। मतलब आप मान लो कि यहाँ पर एक मैच में टोटल 10 विकेट गिरे तो उनमें से 5 मिले पेसर को और 5 मिले स्पिनर को। एवरेज स्कोर की बात करते हैं, यहाँ पर 89 रहा है लास्ट 5 टी20 मैच की। स्कोरिंग पार्टनर की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एवरेज टोटल रहा है 89, एवरेज फर्स्ट इनका स्कोर है यहाँ पर 93। टॉस विन के बाद यहाँ पर बैटिंग करना पसंद करते हैं 80% टीम्स, और बैटिंग फर्स्ट करके जीतते हैं 80%। इस सीजन का वेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, अभी तक 12 मैचेस खेला गया है जिनमें से 9 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 3 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते। आज के मैच प्रदर्शन की बात करते देख लीजिए, यहाँ पर TGS की टीम 50% जीतने की चांसेस है, जहाँ पर CRD की टीम यहाँ पर 50% जीतने की चांसेस है। आई बात करते हैं दोनों टीम की प्रॉबल प्लेइंग से विद बैटिंग वाला, साथ में यहाँ पर प्लेयर रिसेंट स्टेट्स हम देखेंगे। TGS की बात करें प्रॉबल प्लेइंग से ही देखेंगे, मलाका जेवियर लेफ्ट आर्म बैट्समैन, साथ यहाँ पर ऑब्लिक बॉलिंग डालते हैं। यहाँ पर ओपनिंग करेंगे जेलानी रॉबिन्सन के साथ, कैप्टनसी कर रहा है, विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर है, साथ में यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन भी है। नंबर 3 पर आएंगे यहाँ पर सारवान लॉकहार्ट, ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, साथ में यहाँ पर भाइवन टाइटर आएंगे। नंबर 4 पर राइट हैंड बैट्समैन, साथ में यहाँ पर ऑफस्पिन बॉलिंग करता है ओडियम और हॉनरो, यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन, साथ यहाँ पर ऑब्लिक बॉलिंग करता है। नंबर 6 पर आएंगे एल्टन मार्क, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग करता है। लोहियो चार्ल्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। नंबर 8 पर आएंगे अजानिम तफनियार, राइट हैंड बैट्समैन है। नियाल पेन यहाँ पर नंबर 9 पर आएंगे। नंबर 10 पर जॉन मैथ्यू, नंबर 11 पर यहाँ पर सैनिम सीजार। तो अभी थोड़ा सा स्टैट्स की बात करेंगे, देख लीजिए, मलाका इजेबियर यहाँ पर लास्ट 2 मैचों में 56 रन और 19 रन बनाया है और 1 विकेट और 3 विकेट निकाला। जेनरली रॉबिन्सन 89 रन, 39 रन, 24 रन और 49 रन। सरवन लॉकहार्ट 5 रन, 5 रन बनाया लास्ट 2 मैचों में, यहाँ पर 1 रन, 0 रन, 23 रन बनाया। विवियन टाइटर और 4 विकेट और 2 विकेट निकाला यहाँ पर लास्ट 2 मैचों में। ओडियम और हंडो की बात करें 18 रन, 18 रन, 22 रन, अच्छे टच पर है और 1 विकेट निकाला। एल्टन मार्क की बात करें लास्ट मैच में 2 रन बनाए हैं, साथ में यहाँ पर लास्ट 2 मैचों में 1-1 करके टोटल 2 विकेट निकाला। लुविए चार्ल्स की बात करें लास्ट 2 मैचों में यहाँ पर 7 रन, 13 रन और अंजनी यहाँ पर टेवनियर और नियल पेन का अभी तक कोई स्टार्ट नहीं है। जॉन मैथ्यू यहाँ पर लास्ट 3 मैचों में 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट निकाला। सनीम सेजर यहाँ पर 3 विकेट और 1 विकेट निकाला लास्ट 2 मैचों में। तो फिलहाल एक बार देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पर 2 ओवर करके मास्टी बॉलिंग मिल सकते हैं। यहाँ पर मलाका जाइवर, विवियन टाइटर, हॉनरो, एल्टन मार्क और उसके साथ यहाँ पर जॉन मैथ्यू को, मेरे हिसाब से ये 5 बॉलर्स को मास्टी 2 ओवर करके बॉलिंग मिल सकता है। बाकी यहाँ पर और किसी को अगर बॉलिंग मिले तो 1-2 ओवर मिल सकता है, वो ओवर बाकी आधा की ओवर काट होके। तो फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्टार्स की बात। अभी चलते हैं देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर आपके लिए मॉलिक पर मस्ट पिक रहेंगे। मलाका इजेबियर, जेलानी रॉबिन्सन, विवियन टाइटर, ओडिमर हॉनरो, एल्टन मार्क, जॉन मैथ्यू, तो ये 6 प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक्स रहने वाले हैं स्मॉलिंग में। एक बार यहाँ पर देखेंगे CRD की, जेब्रोन राफेल यहाँ पर आइटम बैट्समैन है, जेट जोसेफ आइटम बैट्समैन है, ओपनिंग करेंगे दोनों एक साथ। यहाँ पर मिश्रा जोसेफ कैप्टनसी कर रहे प्लस यहाँ पर आइटम बैट्समैन, साथ यहाँ पर लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। नंबर 4 पर आएंगे एल्विंसन जोली, नंबर 5 पर आएंगे यहाँ पर देखिए एल्विंसन जोली आइटम बैट्समैन है, साथ यहाँ पर आइटम मीडियम पेस बॉलिंग करता है। जेसन अलेक्जेंडर यहाँ पर आइटम बैट्समैन है। मेलविन डेफो यहाँ पर लेफ्ट आर्म बैट्समैन, साथ यहाँ पर विकेट कीपरिंग करेंगे। कार्मल हैमिल्टन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। निकोलस ब्रूनो यहाँ पर राइट आर्म बैट्समैन है, साथ में यहाँ पर आइटम मीडियम पेस बॉलिंग डालता है। इसमें लेंडोर यहाँ पर लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। एडन मैथ्यू विकेट कीपरिंग सेक्शन पर आपको मिलेगी, यहाँ पर साथ में राइट आर्म बैटिंग भी करते हैं। ली लोस यहाँ पर लेग स्पिन बॉलर है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेट्स। जेवन राफाइल 20 रन, 40 रन और 0 रन बनाए लास्ट 3 मैचों में। जेट जोसेफ की बात करें 1 रन और 20 रन बनाया है,
और एक विकेट निकाला। मिस्टर जोसेफ की बात करें 23 रन 0 रन और 5 रन किए लास्ट मैच में और एक विकेट निकाला। साथ में एलविंसन जॉली की बात करें 10 रन 5 रन और 8 रन बनाया। जेसन अलेक्जेंडर की बात करें 19 रन 6 रन और 12 रन किए लास्ट मैच में। मेलविन डेफो 3 रन और 2 रन बनाया। कार्मेल हैमिल्टन यहाँ पर लास्ट दो मैचों में 5 रन 2 रन उसके साथ 2 विकेट और 2 विकेट टोटल 4 विकेट निकाला। निकोलस बूनो की बात करें 0 रन और 2 रन बनाया। बैटिंग में फ्लॉप चल रहा है। इसमें लेंडर 13 रन 2 रन के साथ साथ यहाँ पर 2 विकेट निकाला। एडिन मैथ्यू की बात करें अभी तक कोई स्टार इनका नहीं है, हमको नहीं मिले। और ली लुइस की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 विकेट और 1 विकेट निकाला लास्ट दो मैचों में, तो टोटल 3 विकेट निकाला है। तो आपके लिए कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर दो ओवर करके मास्ट भी बॉलिंग करके दे सकते हैं आप देख लीजिए। ली लुइसी है, इस्माइल लेंडर है, उसके साथ यहाँ पर कार्मेल हैमिल्टन भी है और साथ में यहाँ पर दो ओवर बॉलिंग कर सकते हैं मिसा जोसेफ और जेड जोसेफ। तो ये 5 प्लेयर्स को मेरे हिसाब से दो ओवर करके बॉलिंग मिलना चाहिए। बाकी यहाँ पर बात करें कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग पर डिफॉल्ट चॉइस हो सकते हैं, जेरवन रफायल, मिसा जोसेफ, एलविसन जोली, उसी के साथ यहाँ पर रहेंगे कार्मेल हैमिल्टन, इस्माइल लेंडर और ए मैथ्यू नहीं यहाँ पर ली लुइसी। तो ये प्लेयर्स आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत ही अच्छे पिक रहने वाले हैं सीआरडी की तरफ से। बात करते हैं स्मॉल लीग के कैप्टनशी और वाइस कैप्टनशी उसकी, एक बार देख लीजिए जेलानी रॉबिनसन है, मलाका जेवियर है और विवियन राइटर है। तो ये 3 प्लेयर्स आपके लिए स्मॉल लीग पर बहुत ही अच्छे कैप्टनशी और वाइस कैप्टन चॉइस रहने वाले हैं। जनरल पिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पर कार्मेल हैमिल्टन है, जॉन मैथ्यू है, जेड जोसेफ है, एल्टन मार्क है। तो ये 4 प्लेयर्स आपके लिए गैनली पर बहुत ही अच्छे पिक रहने वाले हैं। देखिए आप अगर यहाँ पर 20 टीम लेकर गैनली खेल रहे हो तो आपके लिए एक छोटी सी टिप्स रहने वाली हमारी तरफ से कि आप पहले 11 प्लेयर्स को लेकर एक अच्छा सा सेफ टीम बनाइए, उसके बाद स्मॉल लीग के जो चॉइसेस है इनमें से 2 प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना दीजिए। बाकी यहाँ पर गैनली में जो जो प्लेयर है इनमें से किसी 2 को 3 को या 1 को लेकर हर एक टीम पर रोटेशन करते हैं, 20 टीम बना लेना। बाकी आप गैनली के लिए जो अदर्स चॉइसेस है उनको ले भी सकते हो और वहाँ पर कैप्टन भी और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। क्योंकि देखिए गैनलिक पर जितना ज़्यादा आपके पास कॉम्बिनेशन रहेगा, जितना ज़्यादा अलग वेरिएशन रहेगा आपके टीम पर, उतना ही आपको जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये रहेगा आपके लिए स्टेट्स एनालिसिस के बाद। अभी चलते हैं डेमो की तरफ, वहाँ पर हम एक डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन वो टीम सिर्फ और सिर्फ डेमो और परसेंटेज की ओर बनाएगा है, टीम रहने वाला है। फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी देख लीजिए यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर हमारे टीम पर रहेंगे जे रविंद्रन, बाकी यहाँ पर एम डेफुआ, ए टिबिनियर, ए मैथ्यू और एल चार्ल्स, बाकी जो 4 ऑप्शन है ये आपके लिए गैनली के लिए अच्छे चॉइसेस है, लेकिन स्मॉल लीग पर उतना ज़्यादा सेफ ऑप्शन नहीं रहने वाले हैं। बैटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर जे रफेल है, ओ हनर है और इसके साथ जे जोसेफ है। बाकी यहाँ पर एन ब्रूनो और एस लॉकहार्ट को आप गैनली पर ट्राई कर सकते हो, एम जोसेफ और ई लेंडर, साथ में यहाँ पर सी सीजर और एम डेफुआ, 4 प्लेयर्स रहेंगे यहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर सेक्शन में। बाकी यहाँ पर ई लेंडर की जगह फिट राइटर रहेंगे क्योंकि इनका सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि 81% वाला ये प्लेयर है। तो ई लेंडर और जे अलेक्जेंडर आपके लिए गैनली पर बहुत ही अच्छे पिक हो सकते हैं। बॉलिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर के हैमिल्टन, जे मैथ्यू, यहाँ पर ए लुइसली, टॉप 3 ऑप्शन हमारे टीम पर रहने वाले। देखिए हमने यहाँ पर डेमो टीम बना रहा है तो इसलिए जो परसेंटेज में हाई है तो वो प्लेयर से हमारे टीम पर रहेंगे, बाकी यहाँ पर किसी को हम ट्राई नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कैप्टन से वाइस कैप्टन की, यहाँ पर सेफ कैप्टन है जे रॉबिन्सन और यहाँ पर सेफ वाइस कैप्टन है एम जेवियर। सेव करके आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाऊंगा, साथ में यहाँ पर गैंड लिखे कैप्टन से वाइस कैप्टन के ऑप्शन के डिस्कस करेंगे। तो जे रॉबिन्सन है विकेट कीपरिंग सेक्शन में, जे रफेल, जे जोसेफ, ओ हंडो, एम जोसेफ, सी ए सीजर, एम जेवियर, वी टाइटर, ए लुइसली, के हैमिल्टन और जे मैथ्यू। तो यहाँ पर बात करते हैं कैप्टनशी और वाइस कैप्टन चॉइस की, जे रॉबिन्सन यहाँ पर सेफ कैप्टन और एम जेवियर यहाँ पर सेफ वाइस कैप्टन रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आप ग्रैंड लिस्ट पर ट्राई कर सकते हो, जे रफेल, जे जोसेफ, एम जोसेफ, वी टाइटर ऑब्वियसली, के हैमिल्टन, साथ में यहाँ पर जे मैथ्यू। तो ये 6 प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया कैप्टन से वाइस कैप्टन चॉइस रहने वाला है, लेकिन तभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन को रखना पड़ेगा। तो फिर ले रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम, फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाइए लिंक में क्लिक करके अभी डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फाइनल टीम भी मिल जाएगी और कोई भी मैच के रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हर एक अपडेट्स का यहाँ पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम टेलीग्राम पर ही हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में यहाँ पर बेल आइकन को भी दबा दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और एक अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलता है अगले वीडियो पर।